देखा, बदरू कहाँ है? कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था, ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहय्यर था। पिछली नशस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देते। That's all. बहुत सुंदर, लवली लवली, थैंक यू दीपशिखा, रियली रेड इट ऑल्सो सो वेल। आपको पता है कि ये हमने रीडिंग वाले सेशन शुरू क्यों किए थे? That's a secret between you and me. That's quite a secret. It was like that we were moving through the story, you know. Oh wow, Deepshikha, wonderful. और आपका तलब also because आप you are stressing आँखें and these days we really need to make up our आँखें क्योंकि और कुछ तो दिखाई देता नहीं है mask के साथ। और अफकोर्स यू टॉक्ड अबाउट बीमारी एंड एक्सरे एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीजें आई थिंक इट वाज जस्ट रेलेवेंट। या इट रियली वाज। सो लेट्स आस्क सरबजोत टू come on with the story now. आपने भी एक story अच्छी सी choose करी हुई है, I know. जी, तो corona पे तो हो गई दो stories. I think we need to move away from the what symbolizes and what is bearing on our mind because of this COVID. The story that I've chosen, ये एक Anton Chekhov की story है, इसका मैं हिंदुस्तानी का translation पा रहा हूँ और जो कहानी का शीर्षक है, वान है, वो है एक छोटा सा मजाक। अंतोन चेखव की इस कहानी में मैंने गालिब के कलाम का हल्का सा केसर और किमाम भी लगाया है। उम्मीद है आपको ये जायका पसंद आएगा। तो बिल्कुल पेशे खिदमत है एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव। जाड़े की एक सूरजमुखी दोपहर, ठंड अपने उरूज पर, कुछ इतनी यख के बर्फ हमारे पाओ के नीचे चरमरा रही थी। नादिया ने मेरी बाहों में बाहें डाल रखी थी, उसकी कनपटियों के घुंघराले बालों पर बर्फ ने डेरा जमा रखा था। उसके माथे पर चांदी की परत जड़ी हुई थी, उसके हसीन होठों पर अनायास उगाए हल्के रोए भी बर्फ के रंग के हो गए थे। हम एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, हमारे पाओ के नीचे फैली हुई बर्फ की एक चौड़ी पट्टी गहरी खाई में जैसे तेजी से उतरती चली गई। बर्फ से ढकी हुई ढलान पर सूरज आईने की मानिंद चमक रहा था। हमारी बगल में पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई थी जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ था। चलो नादिया एक बार स्लाइड करें, मैंने नादिया से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर नादिया के चेहरे पर नीचे देखने से ही हवाइयां उड़ रही थी। नादिया डरी हुई थी, नीचे जाने को किसी भी तरह से राजी होती नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पांव और नीचे पसरी बर्फीली ढलान के बीच का थोड़ा सा फासला एक खौफनाक गहराई की खाई की तरह था। उसकी ओर नजर डालते ही दिल डूबा जाता था, सांसें थमी जा रही थी। देखना तो दूर, मैं जितनी बार उसे कहता उतनी बार उसकी धड़कनों और सांसों की यही हालत होती। क्या होगा अगर वो स्लेज पर बैठकर खाई में उतरने का खतरा मोल लेती है, तो डर के मारे पागल हो जाएगी या मर ही जाएगी? मैं तुमसे कह रहा हूं ना नादिया, मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सा नरम किया, डरो मत, डरना तो एक कमजोर दिल कायर होने की निशानी है, तुम क्यों नहीं समझती हो? और आखिरकार नादिया मान गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने यकीनन अपनी मौत का खतरा मोल लेकर ही मेरी ये बात मानी है। मैं उसे स्लेज पर बिठाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसके पीछे बैठ गया। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगे। स्लेज गोली की तरह तेज रफ्तार से नीचे जा रही थी। ढलान पर भागती स्लेज भयानक आवाज में सरसराने लगी, सनसनाती, चिंघाड़ती, सीटियां बजाती,
हमारे कानों के पर्दों को चीरती हुई ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी। हवा किसी भयानक दानव की तरह हमारे चेहरे पे ऐसे चोट कर रही थी जैसे सर को धड़ से जुदा कर देना चाहती थी। हमारे सीने पे पहाड़ फेंकती हवा से हमारी सांसें उखड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान हमें खींचकर अठास लगाता हुआ दोजख की तरफ लेकर जा रहा है। हमारे चारों ओर हर चीज एक धुंधली रेखा में बदल गई थी। बस एक पल और हमारा खात्मा यकीनन। मुझे तुमसे प्यार है नादिया, मैंने धीमे से कहा। स्लेज की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। स्लेज की धीमी होती हुई सरसराहट अब खौफनाक नहीं लग रही थी। हवा की गरज और उसकी तलवारों के वार भी कम हो गए थे। अब हम आराम से सांस ले पा रहे थे। आखिरकार हम नीचे पहुंच गए। नादिया जिंदा लाश में बदली नजर आ रही थी। वो पीली पड़ गई थी और बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैंने उसे स्लेज से उठाने के लिए हाथ दिया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं उम्र भर स्लेज पर स्लाइड नहीं करूंगी, हरगिज नहीं, मेरी ओर देखते हुए उसने ये कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का साया साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद सहज हो कौन सा तो मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। वो ये तो साफ था। Someone's video is on. Sound is audio. On. Audio is on. ये तो साफ था कि उसके दिल में कोई गुमा हो रहा था। क्या उसने सचमुच वो अल्फाज सुने थे या उसे हवा के शोर में ऐसा बस एहसास हुआ था? सिर्फ हवा के झोंकों का खिलवाड़ था क्या? मैं उसके बगल में खड़ा था और अपने दस्तानों का ऐसे मुआयना कर रहा था जैसे उनको पहली बार देख रहा हूं और हैरान हूं कि ये मेरे हाथों में आ कैसे गया, कैसे आ गए मेरे हाथों में ये दस्तान। या हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ हमको हरी से लज्जते अजार देखकर। उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर हम बहुत देर तक पहाड़ी के नीचे टहलते रहे। वो अनसुलझी पहेली उसे एक पल का चैन नहीं लेने दे रही थी। वो अल्फाज सच में कहे गए थे या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, दुनिया का सबसे अहम सवाल। ये सवाल आत्मगौरव और स्वाभिमान का सवाल हो गया था, जैसे उसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी की हर खुशी इस बात पर मुनहसर थी। नादिया मुझे अधीर उदास नजरों से देख रही थी, मानो दिल की बात पढ़ना चाहती थी। मेरी बातों का उल्टा सीधा अनमना सा जवाब देने लगी वो मुझसे कुछ खास सुनने के लिए बेताब थी। उस मासूम हसीन चेहरे पर जज्बातों से खिलवाड़ किए जाने का कितना आहत एहसास पसरा हुआ था। मैं देख रहा था कि वो अपने आप से जंग कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो घबराई हुई सी, फिक्रमंद और खुश भी थी। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूं, उसने मुझे देखते हुए कहा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। हम इस खेल को दोबारा खेलेंगे, स्लाइड करने का खेल। हम आराम से चोटी पर पहुंच गए। फिर से मैंने डर से पीली पड़ गई नादिया को स्लेज पर बिठाया। फिर से हम खौफनाक खाई में उतरने लगे। फिर से हवा गरजने लगी, स्लेज सरसराने लगी और फिर से हवा हमारे कानों को चीरने लगी और फिर से तेज शोर से सराबोर लम्हों में मैंने धीमे से कहा, मुझे तुमसे प्यार है नादिया। तेज हवा मेरी साजिश में पूरी तरह से शामिल थी। तेरे तौसन की सभा बांधते हैं हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। आह का असर किसने देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। जब स्लेज रुकी तो नादिया ने ढलान से ऊपर पहाड़ी की चोटी देखने की कोशिश की जिससे हम अभी नीचे उतरे थे, उसकी दूरी का अंदाजा लगाने के लिए। अगले ही पल उसने मुझ पर नजर डाली और देर तक मुझे देखती रही। मेरी बेपरवाह और
सपाट आवाज सुनती हुई। वहम ने उसके पूरे वजूद को काबू में कर लिया। उसके खूबसूरत बदन को ढकने वाली हर चीज, उसका मफलर, उसकी टोपी, उसके जिस्म का रोम रोम बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ये सब क्या है, किसने वो अल्फाज कहे हैं? किसी ने कहे हैं कि मेरा गुमा है बस। उसके चेहरे पर मैं ये सारे सवाल पढ़ रहा था। बकौल गालिब है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां और, ते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। इस कशमकश ने जैसे उसे ग्रहण लगा दिया, उसका हौसला टूटने लगा, वो फिक्र में गरूब हो गई। बेचारी लड़की मेरे मामूली सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आती थी और रह रहकर वो चौंक उठती थी। अब हमें घर चलना चाहिए क्या, मैंने पूछा, लेकिन मुझे ये स्लाइड करने का खेल बहुत अच्छा लग रहा है, वो शर्माती हुई सी बोली। एक बार और चल सकते हैं क्या? वाह, मरता हूं इस आवाज पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और, कि हाँ और। उसे ये खेल अच्छा लग रहा था और जब वो स्लेज पर चढ़ने लगती तो डर के मारे उसकी जान निकलने लगती, उसका रोम रोम थर्राने लगता, उसके लिए सांस भी लेना मुश्किल हो जाता हर बार हर बार। खैर, हम तीसरी बार उतरे। मैं देख रहा था कि उसकी नजरें लगातार मेरे होठों पे जमी हुई है, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर रुमाल रख दिया और खांसने की एक्टिंग करने लगा। और नीचे फिसलते हुए आधे रास्ते में मैंने फिर धीमे से दोहराया, मुझे तुमसे प्यार है नादिया। और पहेली पहेली ही रह गई। जब मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, नादिया खामोश अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे से ये नुमाया था कि जो अल्फाज उसने धीमे से सुने, वही अल्फाज उसे मुझसे ऊंची आवाज में काश सुनाई दे जाएं। मैं देख रहा था कि एक गहरे दर्द से उसका दिल तड़प रहा था। वो कुछ भी पूछने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी और ये कोशिश उसके दर्द को और बढ़ा रही थी। हवा तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती। हवा में अल्फाज गूंजे थे, मेरा गुमा था क्या, ये अल्फाज उसके सीने में चुभ रहे थे एक खलिश की तरह। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। अगले दिन सुबह मुझे नादिया का रुक्का मिला। आज आप जब पहाड़ी पे स्लाइड करने जाएं तो मुझे भी अपने साथ ले लें। वाए दीवानगी शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। उस दिन के बाद मैं और नादिया हर रोज स्लाइड करने चले जाते और रोज सबसे ज्यादा शोर भरे लम्हों में मैं फिर धीमे से बोल देता, मुझे तुमसे प्यार है नादिया। और यूं हुआ कि नादिया के लिए ये फिक्रा एक नशा सा बन गया, शराब या मार्फीन की तरह। उसका जहन इसका पूरी तरह से आदी हो गया। वो अब इन लफ्जों की खुमारी में रहने लगी। वो ये अल्फाज एक बार सुने बिना नहीं रह सकती थी, शायद जिंदा भी नहीं रह सकती थी। सच है कि वो पहाड़ी से स्लाइड करने पर अब भी उतनी ही डरती थी, मगर यही खतरा, यही खौफ मोहब्बत से भरे अल्फाजों को और खास बना देता था। वो भी ऐसे अनसुने अल्फाज जो एक अनसुलझी पहेली बनकर उसका कलेजा चीरते रहते। शक और गुमा के घेरे में पुराने दो किरदार थे, एक मैं और एक हवा। इनमें से किसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो यकीन से नहीं कह सकती थी, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाम बेमतलब है अगर उसमें से भरे घूंट नशे में डुबो देते हैं, बोलो है कि नहीं। अचानक एक दिन दोपहर के वक्त मैं अकेला ही पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा नादिया उस ढलान के नीचे खड़ी है और बिना शक उसकी आंखें मुझे तलाश कर रही थी। निराश होकर उसने उस ऊंचाई की ओर देखा जहां से हम रोज स्लाइड करते थे, फिर धीरे धीरे संभल कर वो ऊपर चढ़ने लगी।
वहां से अकेले नीचे स्लाइड करना कितना खतरनाक होगा, कितना खौफनाक। बर्फ से बर्फ सी सफेद हो चुकी नादिया ऐसे चढ़ रही थी जैसे वहां उसे सलीब पर चढ़ना है, जैसे वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हो और दूसरी दुनिया की ओर जा रही है। उसके कदम मजबूत थे और चेहरे पर डर और हौसले की कश्मकश साफ नुमाया हो रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं डर से उसके पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, वो स्लेज में आंखें मूंद कर चली और आंखें मूंद कर ऐसे स्लाइड करने लगी जैसे दुनिया को अलविदा कह रही हो। ढलान पर फिसलती स्लेज की आवाज दूर होती चली गई। मुझे लगा अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। नादिया को वो अल्फाज सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये कैसी कश्मकश थी अनकहे और अनसुने अल्फाजों की। कहते हैं जब रही ना मुझे ताकते सुखन, जानू किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। गालिब न कर हजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। काश कि ऐसा होता, मगर बहुत भारी और तवील लम्हों के बाद मैंने देखा वो स्लेज से उतर रही थी बेहद कमजोर और बेजान सी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच मरकर एक बार फिर से जिंदा हो गई हो, और मैं उसका चेहरा देखकर बता सकता था कि वो अभी भी कश्मकश में है, कि उसने वो अल्फाज सुने कि नहीं सुने। स्लाइड करने और वो भी अकेले स्लाइड करने के इस जानलेवा खेल ने उसकी सोचने समझने की कुपत को कुंद कर दिया था। फैसला करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। बुलबुल के कारोबार पे है खंदहाए गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग। और फिर अपनी सखा बसंत का हाथ थामे मार्च आ गया। सूरज की शुआएं गर्म से गर्म तर होने लगी। हमारी बर्फ से ढकी वो सफेद ढलान सियाह होने लगी। उसकी चमक खत्म हो रही थी। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल गई। हमारा स्लाइड करने का खेल मौसम की मजबूरी को परवान चढ़ गया। अब इस पूरी दुनिया में बेचारी नादिया के लिए चार अल्फाज बोलने वाला कोई नहीं। हवा खामोश हो चुकी थी और मैं शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जाने वाला था लंबे वक्फे के लिए, शायद हमेशा के लिए। तुझसे किस्मत में मेरी सूरते कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाने। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद दो दिन पहले की शाम थी वो। नीम अंधेरा जरा सा गहरा हो रहा था। मैं अपने बगीचे में बैठा हुआ था। मेरे बगीचे और नादिया के घर के बीच लोहे की जालीदार बाड़ थी। अब भी अच्छी खासी ठंड थी, कहीं कहीं बर्फ पड़ी दिखाई देती थी। हरियाली अभी नहीं है लेकिन हवा में बसंत की आमद की खुशबू बसी हुई थी। शाम को परिंदों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। मैं लोहे की जालीदार बाड़ के पास आ गया और दरार में से नादिया के घर की तरफ देखने लगा। मैंने देखा नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान को एकटक देख रही है। नादिया ऐसे देख रही थी जैसे आईना देख रही हो। हवा उसके चेहरे से टकराने लगी, ठंडी हवा उसके परेशान रुखसार से टकराती हुई उसके दिलो दिमाग में तेज आंधी पैदा कर रही थी। उसे याद आ रहा था तेज हवा में तैरता हुआ धीमा ससुर और तलवार चलाती हुई हवा में मीठे शीरी से अल्फाज। उसका चेहरा उदासी का अक्स बन गया। उसकी आंख से एक आंसू छलका और उसके गाल पे ठहर गया। दिल ही तो है ना संग खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। और उसने अपने हाथ इस तरह से फैलाए मानो वो उस हवा से ये दुआ कर रही हो कि वो एक बार फिर से उसके लिए वो अल्फाज दोहराए। और जैसे ही आवाज तेज रो हुई तो मैंने बाढ़ के पीछे धीमे से कहा, मुझे
तुमसे प्यार है नादिया। अचानक ना जाने नादिया को क्या हुआ कि वो खिल उठी और मुस्कुराने लगी और उसने हवा में ऐसे हाथ फैलाए कि जैसे उड़ने वाली। वो बेहद खुश है, एक इलाही नूर उसके चेहरे पर छा गया, बे इंतहा खूबसूरत। और मैं सामान बांधने के लिए घर के अंदर लौट आया। ये बहुत पहले की बात है, अब नादिया शादीशुदा है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका खाविंद एक बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। वो उस वक्त को आज भी नहीं भूल पाई कि कैसे हम स्लेज पर स्लाइड करने जाते थे और हवा के वो अल्फाज उसे आज भी याद हैं। ये उसकी सबसे सुकून देने वाली, दिल को छू जाने वाली और खूबसूरत तरीन याद है। और अब मैं अधेड़ हो रहा, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैंने वो अल्फाज चुपके से ही क्यों कहे थे। एक मामूली सा मजाक उसके साथ क्यों किया था, मैंने क्यों किया था। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरु देश ने बीच में कहा है कि मैं किसको दाद दूं, गालिब को, लिखने वाले को और या नरेट करने वाले को, वाह लिखने वालों को, बहुत अंदर रियली एक्सीलेंट। और आपका तड़का तो इट वाज रिमार्केबल बिकॉज़ वो इतने सीमलेसली दाल और जो भी चीज आपने बनाई उसमें मिक्स हो गया दैट इट सीम्ड लाइक पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड आल्सो it's a very new way of telling a story, so maybe you know this is going to catch on ke apne one can use poetic verses or whatever in a translation of a story. Translator, sure. Who is the translator? In fact, I saw it on the net, it was not mentioned, so I have in fact it was in Hindi, so Jee. I have used my Hindustani words in it. I refer to that. And also just another question that you chose to take a story out of Russian literature, because jab hum log chote the, at least when I was young and growing up, it was a thing that we got a lot of Russian literature to read. Absolutely. It was cheap to buy, those books were easily available, bahut sare you know there were people's publishing house and things like that, jo bahut sari kitabe mila karti thi un dino mein. I don't know now what the scene is with young people today. No, Deepshika, what do you say, all of you? No, they're not available, but I have all my collection with me, and my children, both my children are vying who gets to get this, because trust me, from class 1 I've been saving all my storybooks, and the majority all Russian translations, in Hindi, in Punjabi as well. So even the school I go to, from Fulkari thingy, I take my translated book along with, so I tell them stories from those Russian right, remarkable so to here don't get them here anymore. Yes. Here, Chekhov is really lovely. Chekhov, thank you obviously. Very much. Yeah. Thank you. And I think in actually you're still muted. I've unmuted myself. Yes. And so now we are going to get a wonderful fairy tale. Oh wow. Yeah. So thank you, Preeti. Thank you, Maja House. So what I decided, it's going to really change the mood, and I don't know whether I'm doing the right thing. It's going to just shift the mood from this beautiful lilting story that Sarab Jodh just said. So I am reading from something, from a collection called The Politically Correct Bedtime Stories. Just to give you a little introduction, The Politically Correct Bedtime Stories, Modern Tales for Our Modern Life and Times, was written in 1994 by an American writer, James Finn Garner, in which Garner satirizes the trend towards political correctness that many of us are part of, and censorship of children's literature with an emphasis on humor and parody. The bulk of the book consists of fairy tales that we all have grown up with, many of us, at least in the English speaking world. Red Riding Hood, Three Little Pigs, Snow White, Cinderella, Rumpelstiltskin, all of those, Rapunzel, all of those stories, he has rewritten them
in a politically correct version, which he feels the adults might consider a good and moral tale for children. So today I picked on a story called Three Little Pigs, and it looks like this. This book has a little story. I was looking, when Preeti asked me to do a reading, I started to look for my short stories. And I was very keen to read Ismat Chughtai, who is one of my most favorite feminist writers. And then suddenly out fell this book, which was given to me by many, many years ago by the Indian Ocean lead singer, Rahul Ram. And he'd given it to me then, and I just read it and I put it away. And as if almost fortuitously, it fell out in my hand this time. And so I decided to read from this. And I've picked the story. It's called The Three Little Pigs. Once there were three little pigs who lived together in mutual respect and in harmony with their environment. Using materials that were indigenous to the area, they each built a house. One pig built a house of straw, one a house of sticks, and one a house of dung, clay, creeper vines, shaped into bricks and baked in a small kiln. When they were finished, the pigs were satisfied with their work and they settled back to live in peace and self-determination. But their ideal was soon shattered. One day along came a big, bad wolf with expansionist ideas. He saw the pigs and he grew very hungry, with both a physical and an ideological sense. When the pigs saw the wolf, they ran into the house of straw. The wolf ran up to the house and banged on the door, shouting, little pigs, let me in. The pigs shouted back, your gunboat tactics hold no fear for pigs defending their homes and culture. But the wolf wasn't to be denied what he thought was his manifest destiny. So he huffed and he puffed and blew down the house of straw. The frightened pigs ran to the house of sticks with the wolf in hot pursuit. Where the house of straw had stood, other wolves bought up the land and started a banana plantation. At the house of sticks, the wolf again banged on the door and shouted, little pigs, let me in. The pigs shouted back, go to hell, you carnivorous, imperialistic oppressor. At this, the wolf chuckled condescendingly. He thought to himself, they're so childlike in their ways. It will be a shame to see them go, but progress cannot be stopped. So the wolf huffed and puffed and blew down the house of sticks. The pigs ran to the house of bricks with the wolf close at their heels. Where the house of sticks had stood, other wolves built a timeshare condo resort. It was a vacationing complex for wolves, with each unit a fiberglass reconstruction of the house of sticks. It had a little native curio shop, snorkeling, and dolphin shows. At the house of bricks, the wolf began to shout again and banged on the door. Little pigs, let me in. This time, in response, the pigs sang songs of solidarity and wrote letters of protest to the United Nations. By now, the wolf was getting angry at the pig's refusal to see the situation from a carnivore's point of view. So he huffed and he puffed and he huffed and he puffed. And then he grabbed his chest and fell over dead from a massive heart attack brought on from eating many fatty foods, hamburgers and hot dogs and the likes. The three little pigs rejoiced that justice had triumphed. And they did a little dance around the corpse of the wolf. Their next step was to liberate their homeland. They gathered together a band of other pigs who had been forced off their lands. This new brigade of porcinistas attacked the resort complex with machine guns and rocket launchers and slaughtered the cruel wolf oppressors,
sending a clear signal to the rest of the hemisphere not to meddle in their internal affairs. Then the pigs set up a model socialist democracy with free education, universal health care, and affordable housing for everyone. Please note, the wolf in the story was a metaphysical construct. No actual wolves were harmed in the writing of the story. Thank you. That's quite wonderful. Very sweet, yeah. Very nicely done. Yeah. And obviously some pigs are more equal than other pigs, even today, as we know. Beautiful. Wonderful. Thank you. Very nice. Gurpratap, can we have you now? And Gurpratap, you're still muted. And you're going to be reading one of your stories, which you've written. We can't hear you. Really? We can. In the beginning, you had announced that I was a diehard fan of Gulzar and Adi Berman. And I guess everyone must have thought ki Gulzar ki kahani padega aur karega kya ye. Quite a departure. Main apni hi kahani pad raha from this collection. Maybe you can see it, maybe you can't, because I'm... No, we can't. Main dikha deta hoon. Tell us the name of the collection. Tell us the name. The collection is Obsession, Eternal Stories of Life and Death. Okay. And the story that I have chosen from this collection, now you can see it? Yeah, we can. Mm-hmm. So I'm the writer behind the book. Wow. Yes. Yeah. We can see it. Okay. Right. So I wanted to share this cover with you. I'm also a published writer, MNU. We'll believe you. We do believe you. We need proof. No, no. It's baar bhi koi cheez hundi hai. I know. To ye kahani hai, matlab it's quite a departure from the regular stories that I write, because it's a very very tongue in cheek story. To aapko thoda sa dhyan deke sunna padega isko, because there's a twist in the tale, and when it comes, I think it's quite a surprise. Okay. The title is The Homebreaker. I hope my voice is clear. Yeah. Ji. Let me put on my reading glasses. Gravitas. She hated herself. But even more than that, she hated profession. She felt she was responsible for breaking so many homes. Not directly, of course, but she admitted her share of the guilt one feels knowing that one has been responsible for bringing a family to ruin. It was not that she blamed herself entirely. Her job made her do these things. After all, it was not she who went to the people. They came to her. And once they did, how could she turn them away? They went into this thing willingly. She did not force anyone. Yet, the guilt gnawed at the edges of her conscience, making her hate herself and her profession. She sometimes wondered if her profession was illegal. Ruining a marriage, was that not an offense? It should be made illegal, she thought with sudden venom. But she had catered to policemen too. She felt sick at the thought there was no solution to all this. Thousands of girls all over the world were in the same profession, spoiling the very world they lived in. And then there was this insecurity in her profession. As long as she was young, she was here. What would happen to her when she was no longer young? She shuddered at the thought. She would have loved to change her profession, do something else. But with her dismal qualification, what else could she do? It seemed she was not good enough for anything else. She had to use her coquettishness and her charm rather than her brains, which she knew she did not have much of in any case. She had to run the family single-handedly. If only she had a father or an elder brother, things would have been different. She would have been different. She would not have had to work like this. She would never have joined this profession. But there it was. Her father had deserted them, and there was no elder brother. The younger one, and had to support him. She sighed sadly.
She looked at the entrance door to see if anyone was coming in. She hated sitting idle, but it seemed better to sit idle than to have someone walk in, make a sale, and ruin a marriage for free. It was like those schemes which offer you a small television set free with a bigger one. It seemed incredible to her that people could not see the harm of it all, how it ruined love and marriages. She thought that people, even the educated ones, must be incredibly stupid not to see it. After all, even she could see it plainly. She caught her reflection in her mirror. She looked closely. She could see the crow's feet beginning to form. She traced a line with a finger. It would develop into a wrinkle soon. She felt sad. Will I ever get married? She wondered. It seemed rather impossible to her. Her mother had found a match for her, an ugly, fat, obnoxious character. When she had protested, her mother had looked at her strangely and said, "Beggars can't be choosers." She had hated her mother then. It did not seem right to her to talk of marriage like that, like it was an act of charity or something, and they were at the receiving end. And could she marry? That was the real question. Here I am, she thought, working against marriages, and my mother is thinking of my own marriage. She had the man her mother had chosen for her, had found suitable for her. To show that she was very liberal and all that, he had said that he had no problem with her profession and that she could continue in the same line even after marriage. The bloody pimp. She had hated him too then. And once I marry, who will take care of my brother and my mother? Will he allow me to support them? She sighed again. She suddenly felt old and tired. She shook her head. No point in daydreaming. She peered at her reflection closely, and automatically her hand went to her hair. She patted it into place. In her profession, she had to look good, spruced up, all the time. Her colleagues did not pay much attention to their appearances. No surprise then that even her boss favored her. Whenever there was someone who looked like a potential customer, her boss would signal to her and she would get up and approach the guy to make a deal, to seal the deal. After all, it helped her get the money she so dearly wanted. Why was she here if not for the money? Thus she made it a point to look smart, neat, and homely. She smiled wistfully at the word homely. Homebreaker is more like it, she thought to herself. No one else seemed to carry her sense of guilt. When she talked about it with others, they looked at her as if she was crazy to think about it at all. And sometimes she wondered if that could be true. Could she be crazy? Her mother called her mad sometimes. But she assumed that all mothers call their daughters mad sometime or the other. So perhaps that did not count. It was an easy enough job, but it had its own hazards. And then the customers she had to deal with. Sometimes it was awful. She had dealt with people who haggled over the price. They wanted a bargain. It was as if they were on some Christmas sale or something. How she had to explain things to them. But worse were the people who came with their wives. As if they could not do anything without their wives' approval. They had to bring them along, the wimps. She also wondered at the wives' senses. Women were supposed to be sharp about these things. And here they were, along with their husbands, with their foolish husbands, helping them choose. If this was what being modern and liberal meant, she was happy being conventional. Thank you very much. The door opened suddenly. A young, handsome man walked in diffidently. He looked nervously to his left and right and over his shoulder, as if to see if he was being followed or something. Her boss got up and met the young man. They were shaking hands, and her boss was patting the young man's shoulder patronizingly. So they knew each other.
But the young man still looked nervous. She bet that it was the first time. Her boss signaled her. She got up and deftly caught her image in the mirror without appearing to. She was looking perfect. As she walked towards them, she was conscious of her own cool stance. "I'm good at this," she said to herself. She went and stood by her boss, smiling at the young man. Her boss was saying something about size. He turned to her and said, "This young man is a very good friend of mine." The old bastard, she thought, doing this to a very good friend of his. But she smiled politely, as she always did. "He wants to look around and fiddle a bit," her boss winked at her secretly. "Take him upstairs and show him what we have." She smiled at the young man again. He stood, looked nervous, and glanced over his shoulder. "Would his wife be following him?" she asked herself. "Come this way, sir." The "sir" was a secret. She used the title with the nervous types, knowing that it helped. It gave them a sense of power and authority. They needed that in there. He smiled at her. It was going well. She led the way and asked him to follow her upstairs. She opened the door and he blinked in the dark. She switched the light on. She wanted to give him some time to get used to things, to regain his confidence. She had to excuse herself now. "Would you like a drink or something?" He nodded gratefully, and she noticed that his throat must be dry with nervousness. She went out and returned with a drink in her hand. He was standing by a television set, drumming it nervously, impatiently. She looked at him and gave him his drink and smiled her cucumber cool smile. That also helped. He smiled back at her. For a moment, they stood there just looking at each other, wondering how to begin. This is how he must have felt on his wedding night, she thought to herself, and the thought of it, all nervous and perspiring, amused her. She smiled. "What?" he asked. "Oh, nothing. I was just wondering. Are you married?" How vulgar that sounded, as if she had designs on him. "Yeah, I am." He seemed happy that he had been asked. "Actually, my wife would have loved to be here. She loves doing these things. And she is so much better at it than I am. I feel ridiculous being here on my own. I will have to do a lot of explaining when I go get home. You see, she wants me to tell her everything. The finance thing, how I managed it, and all that." The pervert, she thought with anger. And what a wife to have who could ask such questions. She was sure that when she did such a thing herself, she told him all about the experience. What a couple. She felt disgusted, but that was quite usual for her. She smiled again. "Do you want me to put it on?" she asked. "That would be nice," he said, and moved away. She put the television on. Some people simply could not do without it. "Can you increase the volume?" he asked shyly. In sudden anger, she turned the volume to the maximum. They had to shout at each other now. But what could he say that she had not heard 1,000 times? She felt so weary. He came and sat down by her side. She closed her eyes. She had done it so many times in her life. She could do it all again without even opening her eyes. She came downstairs after she set off. She stood by her boss, grinning stupidly. He looked satisfied, coming and smiled. "I hope you are satisfied," her boss asked. "Oh yes, very satisfied. A satisfied client is our motto," her boss said. "If you are satisfied, tell others. If not, tell us." Her boss slid the cliche in like a thermometer. He smiled at that. I will tell my friends to come here also. He turned to her and said, "You are good, very good at all this. I wish my wife was here also.
she would have enjoyed it. She smiled again, even though she felt very angry and disappointed. But that was the job. How would you like to make the payment? Cash? Her boss asked. She moved away as she always did when her boss talked about the money thing. Yes, cash will be fine. She went back to her seat and watched them sadly from a distance. They were shaking hands now. So, all was settled. He moved towards the door, looked at her, and smiled. She smiled back again. The poor fellow. He did not have any idea what he was doing, what he was getting into. Her boss signaled to her. She got up wearily, still smiling. She did a lot of smiling in her job. Part of the game, she said to herself. Well, I'm very happy, her boss told her. He left very satisfied. You are good, you know. She smiled again, bored with it all. He patted her shoulder and went back to her chair. She walked back to her chair and watched as they packed the television set, the one he had been drumming on. She had just sold another television, but she felt no jubilation. She felt a bit depressed because she really believed that televisions ruined love and marriages. Thank you. Great, Gupta. Yeah. Wow. That was a beautiful twist. Yeah, that was some build up, okay? And now, I think since we are already over the hour that we had promised ourselves, we come to the last story from Deepshika. Yeah, badi choti ji kahani hai ji. Kahani de lekhak Dr. Shyam Sundar Deepti ji, he's with us. Amritsar ji ne, Guru Nanak Medical College Community Diseases de professor ne. Before I actually begin the story, I would like to share the choti ji kahani is to pehle di kahani. The story was told to me by my dad over the phone and I just loved it. And then he told me ke Amritsar de koi lekhak ne unna ne likhi hai. To fir main doctor sahab nu trace kita, unna nal gal kiti, te hun kahani padhan di unna koi ijazat mangi. He is with us. I'm sure he can hear us. And ek kahani mere walid sahab ne dassa ki unhone Pakistan ch jadon jaake padhi sunayi, matlab padhi te nahi sunayi, to they were really surprised ke Hindustan ch ehojiyan kahaniyan is caliber diyan likhiyan ja rahiyan. So this one is for you, doctor, because I really loved it. Choti ji kahani hai ji. Kahani da naam hai Had. Liaqat Ali Patti nu adalat vich pesh hon layi lejaya ja rahiya si. Kuch din pehla hi ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਸੂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਹਿਮਿਆ ਜਿਹਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੀਰ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੱਚਿਓ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗੱਚ ਪਰ ਆਇਆ।
क्या बात That's all. क्या बात वाह थैंक यू वाह बहुत खूब बहुत खूब वेरी वेरी नाइस वेरी थैंक यू दैट वाज एक्सीलेंट दीपिका थैंक यू आई होप एवरीबॉडीज एंजॉयड द इवनिंग दैट वी हैड टुडे विद ऑल द रीडिंग्स एंड ऑल द डिफरेंट स्टोरीज एंड I hope you also will come forward and tell us if you feel like reading something out to us, a story that you love particularly. And we are hoping to continue with these sessions called Once Upon a Story. I also wanted to tell you about a couple of forthcoming things that we have planned for you next week on the 16th Tuesday, 6 o'clock again. This is a very unusual session, and it's looking at Punjab in the diaspora. And it's an effort, like all the efforts and all the initiatives that we are trying to do from Maja House, again, an effort to build Punjabi pride. Pride in everything that we are, in everything that we are trying to accomplish, and everything that we are learning. So whether it's scholarship, whether it's stories, whether it's our folklore, our culture, it's an effort to build this whole thing up. So on the 16th, we have a young entrepreneur from Canada, and he will be in conversation. This is a young man called Ash Singh, who's responsible for a number of wonderful apps. And among them is Sikhi Wiki and Turbanizer and various things. Maybe you can look it up, and that's on the 16th. And then on the 20th, we have a well-known screenplay writer and actor called Kanika Dhillon. She will be again in conversation on the 20th. So do come back, and the story reading, they don't always have to be stories. They can also be nonfiction, which we get together and read out important bits of things that people are writing today. That will be again in July, so once a month. Thank you very much. Everybody. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you, G, and Sachikal to everybody. I must compliment you, Deepshikha, for the beautiful talaffuz you have it for the Urdu language. Thank you. True. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night. Okay, G. Bye. Good night.